नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि आंतरिक माप 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर वाला एक बक्सा समान आकार के घनों से भरा हुआ है। यदि घनों की संख्या 25 है तो प्रत्येक घन की भुजा क्या है। ठीक है, उसने कहा एक बक्सा है यानी बॉक्स है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है। ठीक है, और उसमें समान आकार के घन भरे हुए हैं। अब घनों की संख्या हमें दी है 25, तो उसने हमसे पूछा है कि ए बताइए कि जो घन है उसकी भुजा कितनी है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम जो घन है उसका आयतन निकालेंगे, जो घन भरे हुए हैं तो कैसे निकालेंगे, प्रत्येक, क्योंकि सब बराबर हैं, तो प्रत्येक घन का आयतन, बराबर में क्या लिखेंगे, जो बक्सा है उस बक्से का आयतन, बटे में हो जाएगा कुल घन। ठीक है, अब बक्सा है क्यूबॉइड आकार का यानी घनावाकार का, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, 60 है लंबाई, 30 है चौड़ाई और 24 है ऊंचाई। तो घनों की संख्या कितनी है, घनों की संख्या है 25। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 5 25, 5 6 30, 5 1 5 और 12 5 60, क्या बचा, 12 बचा, 6 बचा और 24 बचा। ठीक है, अब यहाँ प्रत्येक घन का आयतन निकालना है, और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का क्यूब। ठीक है, अब इसको क्यूब बनाना है तो इसके वर्गमूलखंड कर लेते हैं हम, यहाँ 12 दो इधर से ले लेते हैं तो ये भी 12 हो जाएगा और यहाँ भी 12 हो जाएगा। ठीक है, 24 में 6 से 2 ले लिया तो यहाँ ए इक्वल क्या बचेगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो उसमें घन भरे हुए हैं उस घन की भुजा निकल के आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, प्रश्न को थोड़ा समझना जरूरी था। उसने कहा था कि जो बॉक्स है यानी बक्सा है, ए कैसा है, घनावाकार का था, ए हमें इस चीज में ध्यान रखना था कि जो बक्सा है ये घनावाकार का है, इसमें भरे हुए हैं घन। ठीक है, जब घन भरे हुए हैं तो जो इस बक्से का आयतन होगा उतने में ही तो घन भरे होंगे, तो इस आयतन में हमने कुल घन का भाग दे दिया तो हमारा एक घन का आयतन निकल आया। जब एक घन का आयतन निकल आएगा तो हम उससे उसकी भुजा की लंबाई निकाल लेंगे, तो हमने उससे उसकी भुजा की लंबाई निकाली तो जो निकली 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।